ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। बीजापुर जिले में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में जिला पुलिस बल के दो जवान शहीद। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल एक ग्रामीण की आज इलाज के दौरान हुई मौत। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल 9 राज्यों के 71 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। जशपुर जिले में मिट्टी खदान धसकने से उसमें दबकर एक ग्रामीण की मौत, 3 अन्य घायल। और प्रदेश में इन दिनों पड़ रही है भीषण गर्मी, अधिकांश इलाके लू की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। बीजापुर जिले में बीती रात माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में जिला पुलिस बल के दो जवान शहीद हो गए। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस उप महानिरीक्षक पी सुंदर राज ने बताया कि पामेड़ थाना क्षेत्र के तोंगमुड़ा स्थित शिविर में रहने वाले पुलिस के जवान किसी काम से बाहर निकले हुए थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे माओवादियों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद माओवादी वहां से भाग खड़े हुए। इस बीच शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को आज बीजापुर जिला मुख्यालय लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद उन्हें सलामी दी गई। इनमें से एक जवान जशपुर जिले का निवासी है, जबकि एक अन्य जवान बीजापुर जिले के गुमरा गांव का रहने वाला है। सलामी देने के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम भेज दिया गया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल 9 राज्यों के 71 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। चौथे चरण में महाराष्ट्र की 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 13-13, पश्चिम बंगाल की 8, मध्यप्रदेश और ओडिशा की 6-6, बिहार की 5 और झारखंड की 3 सीटों पर मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग लोकसभा सीट के तहत कुलगाम जिले में भी कल ही मतदान होगा। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पत सिंह की बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वे आज लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए अमेठी जाने वाले थे। बृहस्पत सिंह ने बीती रात सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत की थी। फिलहाल डॉक्टरों ने भी श्री सिंह की हालत को स्थिर और खतरे से बाहर बताया है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया जा रहा है। उधर चुनाव प्रचार के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की तबीयत में सुधार होने के संकेत मिले हैं। श्री चौबे का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रवीण गोयल ने बताया कि श्री चौबे की किडनी और लीवर में अभी भी संक्रमण का असर बना हुआ है, हालांकि उनके बाकी अंग सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि श्री चौबे को कल दिल का दौरा पड़ने के बाद लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें एम्बुलेंस के जरिए पीजीआई अस्पताल में शिफ्ट किया गया। श्री चौबे से मिलने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रात पीजीआई अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। राज्य सहकारी निर्वाचन की ओर से सहकारी संस्थाओं के बोर्ड में पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में निर्वाचन आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में रायपुर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। श्री मिश्रा ने बताया कि पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के बोर्ड के पहले चरण के चुनाव के लिए कल 29 अप्रैल को रायगढ़ और महासमुंद में जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। बाकी जिलों में अगले महीने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के दौरान मतदान दलों की हर पल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सी टॉप्स यानी छत्तीसगढ़ ट्रैकिंग ऑफ पोलिंग प्रोसेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन काफी कारगर साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन की तरह ही इस बार लोकसभा चुनाव के तीनों चरणों में भी इस ऐप का प्रयोग किया गया। इससे मतदान दलों की रवानगी से लेकर मतदान स्थल तक पहुंचने, मतदान के संबंध में रिपोर्टिंग करने और दलों की वापसी तक की जानकारियां लगातार मिलती रहीं, जो इस एप्लीकेशन की सफलता को दर्शाता है। श्री साहू ने कहा कि इस एप्लीकेशन की उपयोगिता और सफलता को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि कुछ पीठासीन अधिकारी सी टॉप्स एप्लीकेशन में जानकारी समय पर फीड नहीं कर पाए, उन अधिकारियों को बुलाकर उनसे डेटा फीड कराया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जशपुर जिले के बीजा घाट में आज मिट्टी खदान धसकने से उसमें दबकर एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य ग्रामीण घायल हो गए। बताया जाता है कि बगीचा विकास खंड के मुढ़ी में यह हादसा उस वक्त हुआ
जब चार मजदूर मिट्टी लाने के लिए खदान गए हुए थे। इसी दौरान खदान धसक गई और चारों ग्रामीण उसमें दब गए। इनमें से एक ग्रामीण की मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल तीन अन्य ग्रामीणों को जशपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रोताओं, समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर तीन चरणों में हुए मतदान पर केंद्रित रहेगा। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने के बाद सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को जिला मुख्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में तीन स्तर के सुरक्षा घेरे में रखा गया है। इससे संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत सोहर द्वारा दी गई जानकारी का प्रसारण आज रात 8:30 बजे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से किया जाएगा। इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं के कारण लगभग पूरा प्रदेश लू की चपेट में है। दिन चढ़ते ही गर्म हवाएं चलने लगती हैं, इस वजह से दोपहर बाद सड़कें भी सूनी हो जाती हैं। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य स्थानों का भी यही हाल है। चिल्फी घाटी के कारण कड़ाके की सर्दी के लिए पहचाना जाने वाला कबीरधाम जिला भी इन दिनों गर्मी से बेहाल है। वहां के हालात पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे कबीरधाम जिले के संवाददाता। जिले में इन दिनों सिमटते जंगल और सूर्य की आग उगलती तेज किरणों के कारण लोग परेशान हैं। पूरा दिन गर्म हवाओं के थपेड़े से लोगों को दोचार होना पड़ रहा है। रात में भी गर्म हवाएं चलने के कारण लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। जरूरी काम से बाहर निकलते समय लोग सिर और चेहरे को कपड़े से ढकना नहीं भूलते। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक समाजसेवी संस्थाएं प्याऊ भी संचालित कर रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा भी सभी शासकीय अशासकीय व अनुदान प्राप्त स्कूलों में 29 अप्रैल को अवकाश घोषित कर दिया गया है, जिससे तेज गर्मी के दुष्परिणामों से बच्चों को बताया जा सके। सुरेश श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, कवर। उधर औद्योगिक नगरी कोरबा का हाल भी कुछ अलग नहीं है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान यहां लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरबा में गर्मी की मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता। पिछले कुछ वर्षों में कोरबा के तापमान में तेजी से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बीते 4-5 वर्षों में औसत तापमान से लगभग 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, विकास और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तेजी से कट रहे पेड़ों के अनुपात में वृक्षारोपण पर ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है। बीते दशक में सड़कों पर गाड़ियां और घरों और दफ्तरों में बढ़ते एयर कंडीशनरों ने भले ही घरों के भीतर ठंडक पहुंचाई हो, लेकिन दोपहर सड़कों पर निकलना मुहाल कर दिया है। अप्रैल के इस महीने में ही यहाँ का पारा 42 डिग्री के पास जा पहुँचा है। ऐसे में पर्यावरण को सहेजने की सबसे जरूरत महसूस की जाने लगी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोरबा से राष्ट्रीय गुप्त। इस बीच रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी आर एस वैश्य ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली गर्म हवाओं के कारण प्रदेश में आगामी कुछ दिनों तक लू का असर बना रहेगा। उत्तरी पश्चिमी गर्म हवाएं चलने के कारण प्रदेश जो है गर्म हो रहा है। टेम्परेचर भी 2 दिन तक तो ऐसे ही रहेगा। आज रायपुर का अधिकतम जो है 43.5 है, कल से थोड़ा सा कम है टेम्परेचर। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर संभाग के 1-2 जिलों में लू की हालत है। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन का तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा कल दुर्ग जिले के पद्मनाथपुर में लोन मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा हितग्राहियों की ऋण संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। बलौदाबाजार जिले के कसडोल में तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक बच्चे की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। वहीं जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर में ट्रैक्टर से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। कोरबा जिले के कोहड़िया नहर में नहाने गई 2 स्कूल छात्रों की डूबने की खबर है। गोताखोरों की टीम इन छात्रों की तलाश में जुटी हुई है। और कोंडागांव जिले में खनिज विभाग की टीम ने मोरम का अवैध उत्खनन करने के मामले में चैन माउंटेन और 2 हाईवा को जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीजापुर जिले में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में जिला पुलिस बल के 2 जवान शहीद। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल एक ग्रामीण की आज इलाज के दौरान हुई मौत। लोकसभा चुनाव के 4th चरण में कल 9 राज्यों के 71 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। जशपुर जिले में मिट्टी खदान धसकने से उसमें दबकर एक ग्रामीण की मौत, 3 अन्य घायल। और प्रदेश में इन दिनों पड़ रही है भीषण गर्मी, अधिकांश इलाके लू की चपेट में। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।